बड़े भाई गनानंद जी यहाँ पर मौजूद, मैं चाहूंगा आप मंच पर आए, आइए प्लीज। हम लोगों ने बहुत काम किया साथ में, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई के नाते हम दोनों ने गढ़वाल क्या मतलब बाहर भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम दिए, साथ में कई फिल्में की हम लोगों ने, कई जगह मंच पे परफॉर्मेंस दी और आज बहुत बधाई के पात्र हैं भाई साहब। उनको इसी लाइन में, इसी संस्कृति के उसमें आपको एक ऐसा पद मिला है कि जिससे हमें बहुत गर्व है आपके पद। धन्यवाद लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। आप युवा कलाकारों में सबसे ऊपर हैं और ये आप बच्चों, ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम आपके इस सरस्वती के मंदिर में 50वीं सालगिरह यहाँ पे हुई है, गोल्डन जुबली किसी किसी के भाग्य में होता है ऐसे अवसरों पे आना। इसके लिए मैं गुरु रामराय के प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों का और अतिथि लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कलाकार को आपने यहाँ पे बुला के बहुत बढ़िया काम किया। मैं सन 65 से इस धंधे में लगा रहा, सिर्फ मेरा एक ही काम था कि मैं अपनी बोली भाषा में ही काम करूंगा। हिंदी पिक्चरों के कई पिक्चरों में ऑफर आए, नाटक आए, मैंने किए नहीं कभी, क्योंकि मैं अपनी भाषा में लगा रहा। मेरे को आज इतनी मेहनत, इतने परिश्रम करने के बाद छोटी छोटी क्षेत्रों में जो हमने गांव गली कूचे प्रोग्राम किए, अपने पैसे से किए, हमें लोगों ने बुलाया, हमें पैसा नहीं देखा, और आज एक हास्य कलाकार को उत्तराखंड सरकार ने उनको इतना बड़ा दायित्व तो दिया है, संस्कृति विभाग का बहुत बड़ा। देखो ये सही माने में जो बहुत सारी बातें हुई, आजकल तो फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे को कितने कमेंट्स भी आए हैं, कितने फोनों में फोन आए, जगह जगह से, देश विदेश में मैंने बहुत प्रोग्राम किए। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही प्रतिभा सही जगह पर रखी। तो भाइयों, हमारी ये संस्कृति है, बोली भाषा है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, चौंसारी हो, कोई भी हो, इस प्रदेश में कोई भी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, हम सब लोगों का एक परिवार है और हमको एक ही भाषा में, ऐसा नहीं है कि हम अपनी अपनी बोली भाषा में बात करते चले जाएंगे। ये बच्चों, आप इस विद्यालय के एक ऐसे छात्र हैं जिसने देश में राजनीति हो, खेल हो, कला एवं साहित्य हो, अपना नाम कमाना है और वहां देश और विदेश में जाना है। तो आपको फ्रेंच, चाइनीज, जैपनीज और विदेशी जितनी भाषा है और हमारे देश की भी भाषा है, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी, कोई भी भाषा है उसमें भी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ के आप हैं, जो आपकी दुल बोली है, जो आपने अपनी माँ की भाषा से सीखी, वो आप कभी मत छोड़ना। आप जो ये पश्चाताप संगीत का जो आप इसको करते हो, ये करो, ये बच्चे इतने बढ़िया यहाँ पर कर गए। यहाँ पर जब मैंने देखा, मुझे लगा मैं GIC देख रहा हूँ, चल रही वो वीडियो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप विश्व के पटल पर जाना चाहेंगे और तो आपका नाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहां से आपका नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब मिलेगा। अरे कोई नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आपके अंदर ये कला है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो अपनी इस गढ़वाली भाषा को कुमाऊनी भाषा में, लोक गीतों में और अपनी संस्कृति के अंदर इसको एक आधुनिक तरीके से कैसा आप विचार करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा
कि अगर आप अपनी संस्कृति के लिए काम करेंगे, मैं तो करूंगा, क्योंकि भैया हम तो छांगड़ो आदमी है और हम तो कल्ला। ये भाई इतना बढ़िया कलाकार थे, अपन घन्ना गिरगिट यमराज कह देखे, घन्ना गिरगिट यमराज क्या कह देखे, ये वे माँ गिरगिट बनी छो पहले, बहुत बड़ी ना हिंदी पिक्चर भी करनी, कई कई हिंदी पिक्चर भी करनी और बहुत सारी गढ़वाली पिक्चर भी करनी। भाई का लड़का जो संगियों को भुलक नो नो बहुत बड़ो सिंगर थे और वो अभी इंडियन आइडल में भी गए थे, फौजी आदमी थे, लेकिन वैसे परमिशन नहीं मिली इन्हें वापस जाऊंगे। ये बहुत बड़ी बात, सिंगर भी चल रहे, बहुत अच्छा गीत भी करना बात। तो सोनिया जी, हमारी डॉक्टर सोनिया जी आनंद जो चल रहे, बहुत व्यस्त बहुत बड़ी सिंगर थे ना, और उन्होंने अपना भारत का वो सिनेमा का पटल पर बहुत बड़ा नाम करे, वो गीत भी गाना बहुत अच्छा और सौभाग्य थे कि कमाई कर। जब कभी गुरु लोगों ने यू बच्चों से सीखे थे, आइए बच्चों से सीखना छ, तो बहुत बढ़िया कि ये एक्सपर्ट गुरु लोग छ और ये विशेषज्ञ छ कि जो आपको सिखाना छ, तो आप उसे सीखना, तो आपके कोई कमी महसूस नहीं होनी। लेकिन हम जब हम छोटा था, जब स्कूल में जाता था छोटा छोटा था, तो हमारे गुरु जी कोई निरक्षक तो छी था, डांसर तो छी था, वो तो हम तो सिखाना था गाँव छो पर अब हम थे हिंदी पिक्चर में गाना मिली कि भाई डांस करो, क्योंकि आप तो कलाकार हो गए, तो वो डांसर हम तो सिखाणो कि ओ ऐसा करो, अब फिर हमारे अगले फुट चल रहा ऐसा करो, तो हमारे कुछ पहले चल रहा। अरे क्या करो यार, ये बोलो सा तो हमारे खर्चिंग करो कि अरे कोई नहीं जगह कम है इसलिए इधर की बजाय। हाँ, लेकिन जगह कम नहीं थी, जगह कम नहीं थी इंच कि हमने वे टाइम पर अनभिज्ञा जो तक कोई जानकारी नहीं थी, वो गुरु लोगों से सीखी तभी हमारे खुद पे नहीं चलता। तो बहुत बड़ी बात चुकी आपके जन का भी एक्सपर्ट से छन गुरु लोग, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करना छन बहुत बढ़िया। और मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन इस गए बोलो कि गुरु जी आप अपने स्कूल को जो माहौल बहुत बढ़िया बनाए जी, और आपने जितने साल वगैरह एनसीसी भी आपने करी, और हो सकते कि आप कल कहीं चीज रह रही है कमास्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी आप कर सीख सकते ना, अगर आप चाहे आपको सहयोग बहुत बढ़िया करना चाहना, और मैं क्या करता मेरे लायक कोई सेवा हो रही तो आप, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर लू, संस्कृति का नाता आपका कठिन गढ़वाली भाषा में भी लिख दिया और कुमाऊनी भाषा में भी लिख दिया कखे कखे, कि जैसे सचवान अच्छे ढंग से पढ़ाई करा बच्चों, तो मेरी ये निवेदन साहब कि आप संस्कृत की भाषा में अपने गढ़वाली भाषा में कुमाऊनी भाषा में भी आप लिख लें। अच्छा तो लियावा, आज हमारे बीच में अचिन गढ़वाली हास्य कलाकार गन्ना भाई जी, तो मैं आज सबसे गारंटी दीणू छोड़ की जेल कभी नहीं हंसने कसम खींचा, कि जेल कभी ना हंसने कसम खींचा, वे की हंसी ते आज बंद कराना हमते बड़ो मुश्किल पड़ जान, वे हंसी ते बंद कराना खुली कि हमते ही थोड़ी देर को कार्यक्रम ना नुकान पड़ जान। तो लियावा तुम सबक समय प्रस्तुत छिन हमारे हास्य कलाकार श्री गन्ना भाई जी। बहुत बढ़िया, आप साहिल साहिल ने की साहिल ने की देखा आप क्या कहीं जहां पर बोल रहा हूं कि था आप गड़ो ले क्या कई सौ साल पहले रहे हो तुम्हारा माता पिता ये कह गए बोला, लेकिन छत तुम गड़ो ले था, तो अब सीखने की कोशिश करें यूं भाई से, और हमेशा गड़वाली कुमाऊनी भाषा में आप अपने स्कूल में लिख लिया तो बहुत अच्छा लगो। और भाई साहब आप भी घुमाया जब यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि आप जन कलाकार और विश्व माता आप नाम डेफिनेटली कमेला, बस एक इंच के अपनी भाषा से हमने आगे नहीं बढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरु जी कुछ बोला एक फोटो